अस्सलाम वालेकुम नया मुजीब ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन। अब ये देखिए पूरा कंटिन्यू व्लॉग है। अब हो रहा है 10 o'clock, जो हम लोग जा रहे हैं, ये सब अलम वगैरह हो गया क्योंकि हम लोग वहाँ पर हैदराबाद में अलम था करके हम लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन ये देखिए लोग जा कर आ गए हैं, अशर की नमाज़ वगैरह पढ़ कर आ चुके हैं, अभी आराम कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। चलिए चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग को देखिए कैसे जा रहे हैं पूरे, उन लोग के मम्मा से पहले लोग जाते हैं कहीं पे भी। फ्लावर्स कैसे दिख रहे बताइए। बहुत दुकानें बंद है, सिर्फ 2-4 दुकान खुली थी बस। वो 5 o'clock से सुबह 10 o'clock तक तो ऐसा लग रहा था कि बाप रे बाप, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग को यहाँ पे हम लोग अलम नहीं देखते हैं तो वहाँ पर चले गए थे यहाँ पर, बट यहाँ पे तो 5 बजे रात से, अल्लाह रहम करें। सब जल्दी उठ गए थे ना, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए ब्रेकफास्ट हो गया है, पूरी बहुत अच्छी थी, फिर वो बिस्किट लेना भूल गई हूँ मैं, बहुत अच्छा था वो भी, मतलब खाई मैं बट यहाँ पर लाना भूल गई। सिर्फ देखिए थोड़े से दुकानें खुले हैं बस। हम लोग जहाँ पर पीते ना चाहे, वो शॉप बंद थी क्योंकि शहादत है ना इसके लिए। मेरे को अच्छा लग रहा था तो मैं थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर ली यहाँ पर। कैसा लगा कमेंट करिए आप लोग, मेरे को फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं मेरे हस्बैंड को मिस कर रही हूँ। ये देखिए कितना भी अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह से व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। और ये देखिए माशाल्लाह, ये कुकिंग किचन जो है ना यहाँ पर ऐसा नहीं था पहले, अब बहुत अच्छा बन गया है। चलिए अब हम लोग सब ब्रेकफास्ट हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं आशुरे की नमाज़ पढ़ने के लिए। चलिए वज़ू करते हैं, इतना सुकून लग दिखता है ना ये, अल्लाह बस हमेशा बुलाए हमें इंशाअल्लाह ताला। वहाँ पर बहुत सुकून का पानी था और मौलाना क्या समझ रहे थे कि ये पानी जो है वो स्विमिंग पूल है, तो उनको जाने का मन कर रहा था वहाँ पे। हम लोग बोले हम लोग जा रहे हैं तुम वहीं रहो, तो फिर जब आए वो लोग। थोड़े क्लिप्स तो सबके पास थे और लोग सेंड करे हैं मेरे को, ये पता नहीं लड़की सुनती क्यों नहीं है। ये देखिए लोग जा रहे हैं, अभी बाइक पे आए थे, कार में आए थे, बस में आए थे, माशाल्लाह से सब जने पूरी फैमिली आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इंजॉय करे अल्लाह का शुक्र। मैं बोल रही थी अंकल बाय, अंकल जा रहे हैं अभी घर पे बाइक से, टू व्हीलर पे। ये देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, एकदम सुकून की दरगाह है ये, मैं बता नहीं सकती आप लोग को कितना सुकून दिखता है ना यहाँ पे। कोई चीज़ का डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, कितनी जाए तिलावत करते रहो आप। तिलावत तो घर पे भी करते हैं बट बाहर आके, मतलब कहीं गए आप तो वहाँ पे भी तो खाली ही रहते ना आप लोग, तिलावत भी कर लेना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग तिलावत करने जा रहे हैं अभी, थोड़ी यहाँ पे दुआ कर लेंगे क्योंकि लेडीज़ को जाना मना है अंदर, तो बाहर ठहर के दुआ करते हैं सब। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा है, पूरा गोल्ड और चांदी से बना हुआ है पूरा ये, और ये संदल वुड है जो बहुत बहुत कॉस्टली रहती है। ये देखिए
का झूमर कैसा है माशाल्लाह। पता नहीं लोग कैसे ले लिए है ये वीडियो। पूरे व्लॉग लेके मेरे को सेंड कर रहे हैं मेरे भाया बहना बहुत। चलिए हम दुआ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सपोर्टिव फैमिली है माशाल्लाह से। थैंक यू फॉर एवरीवन। अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। नेक जायज़ दुआओं को कबूल करे आमीन। ये मेन डोर है और ये देखिए आंटी, ये बहुत अच्छे आंटी है, हम लोग को पूरा बताए यहाँ पर। ये देखिए ये क्या है पता नहीं क्या। हाँ नहीं ये है कबूतर, नहीं सॉरी कबूतर नहीं, तोता। तोते की खबर है जिसको बात करने बिल्कुल नहीं आता, जो तोतलाते वगैरह बोलते हैं ना, तो वहाँ पर ऐसे शक्कर लेकर के खाना बोलते हैं 21 डेज। नहीं मानते भोजन अब ऐसा रहता है, बट वो करेंगे तो होता भी है, अल्लाह की मर्ज़ी है, बस क्या करें पता नहीं। लेकिन होता तो ज़रूर है कि वहाँ से 21 डेज में लेके आके अगर जिसको बात नहीं आती है वो खाएंगे ना तो उनको बात आना स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए यहाँ का, मैं तो नमाज़ पढ़ने में बिज़ी हूँ क्योंकि आज आशुरा है, 3 यासीन शरीफ पढ़ना है और नमाज़ पढ़ना है, नफील सब करना है। उसके बाद नमाज़ वगैरह हो चुकी है, यासीन वगैरह हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अभी ये देखिए कि बहुत प्यारी लड़की, डॉल के जैसी लड़की मिली थी हम लोग को, फिर से मिल ली हम लोग से, यहाँ पर आए थे उसके बाद। हम लोग जा रहे हैं और एक दरगाह पर, ये कार में आए उन लोग, देखे जेंट्स लोग के घर को, यहाँ पे फ्यूल फिल करवा रहे हैं। फाद भाई को थोड़ा सा सता रही थी मैं, लोग तीनों बैठे और मुनीना भी हम लोग के साथ चल रहे हैं। देखिए माशाल्लाह से मुनीना का, ऐसा नहीं है कि मम्मी नहीं है तो नहीं चले, लेकिन माशाल्लाह मुनीना अच्छे से रहते हम लोग के साथ। और ये व्यू चेक करें माशाल्लाह, इतना अच्छा व्यू है ना माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर बस में रहता तो मैं पूरा व्लॉग वही डालती थी, बट क्या करें, बहुत अच्छा व्यू है एकदम, बहुत अच्छा माशाल्लाह से। चलिए ये लिए सब ले चुके हैं हम लोग, जाएंगे अभी ऊपर। देखिए इतने सारे स्टेप्स हैं यहाँ पे, मतलब इतने सारे सीढ़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं भी क्योंकि हम लोग सोए भी नहीं हैं, सुबह मॉर्निंग से शार हैं हम लोग। और ये व्यू चेक करिए माशाल्लाह, इतनी अच्छी ग्रीनरी है ना कि बस सुकून ही सुकून है एकदम से, ऐसा अच्छा लगता है कि बस यहीं पे ही रह जाऊं, बट क्या करें रह तो नहीं सकते, जाके आ सकते। ये देखिए माशाल्लाह मोनिना, काओ लेके आओ, काओ लेके आओ बोल रहे थे ये, क्योंकि हम लोग के पास थे ना जब। बकरीद में जबी ये देखिए रुकमोतीन तो लगी दरगाह है ये माशाल्लाह। हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू रहता है, व्यू तो बहुत अच्छा था। और ये दरगाह भी इतनी सुकून की है, कोई चीज़ का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पैसे डालो वो करो ये करो, कुछ भी नहीं, सिर्फ सीधा आते हैं हम लोग बस।
ऐसा तो गुलबर्गा में भी नहीं है, ऐसा तो गुलबर्गा में भी नहीं है कि पैसे डालो यहाँ पर, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं है। ये अंकल झाड़ू मार रहे हैं यहाँ पे। ये है दरगाह, ऊपर दो तरफ दरगाह है। जो लेडीज़ को जाना मना है ना, तो हम लोग यहीं पे ही बैठ के तिलावत करेंगे। अभी जोहर का टाइम हो चुका है, अभी नमाज़ पढ़ेंगे हम लोग। इन लोग आ गए हैं ज़ियारत करके और हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। चलिए नमाज़ स्टार्ट करती हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के हो गया है, दुआ वगैरह भी हो गई है। ये देखें यहाँ पे कुछ नया है, ये पूरा उर्दू में बर्तन पे लिखा हुआ है। बहुत अच्छी कारीगरी है माशाल्लाह, एकदम एंटिक। देखिए अल्लाह लिखा हुआ है, मोहम्मद लिखा हुआ है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। पूरे आयतें लिखी है शायद इस पे और वो साइड वाले पे। मैं जूम कर रही हूँ ना, वहाँ पे नेट लगी हुई है। देखिए माशाल्लाह, अभी भी हम लोग पीछे साइड जा रहे हैं। ये व्यू चेक करें आप लोग, कितना अच्छा व्यू है। इतना ग्रीनरी है ना कि बस इतना अच्छा लगता है माशाल्लाह से। बस यहीं पे ही रह जाओ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। मेरे को क्या, सबको ही अच्छा लगता है, मेरे घर वालों को। मोनिना को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मोनिना को वहाँ पे काओ दिख गई और घूमने भी मिल गया। ये देखिए बेबी, काओ बेबी में तो बोली मोनिना, ये काओ बेबी है। ये देखो अगर किसी को मन्नत रही तो उन लोग भी यहाँ पे करते हैं। अभी कोई मन्नत कर रहे थे वहाँ पे, तो मैं वीडियो शूट कर ली हूँ। और यहाँ पे हम लोग खोपरा खा रहे हैं। ये है मोनिना, मोनिना को वहाँ जाना था, बट कैसे लेके जाएंगे, अभी छोटी है ना वो, तो लोग जा वहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे थे, तो मोनिना मेरे साथ है। ये इमरान भाई देखिए आ रहे भी। व्यू माशाल्लाह, व्यू की तो कुछ बात ही अलग है। इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे गए तो, मेरे को बहुत पसंद आता है माशाल्लाह से। देखिए चेक करें कितना अच्छा व्यू है माशाल्लाह। ये व्लॉग थोड़ा लॉन्ग होएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन हो गए ना अभी पोस्ट कर रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा सा उससे अच्छे मैं बोली पूरा एक व्लॉग में करके डाल दो, इसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपर व्लॉगिंग आएगी। चलिए वो सब जाल वगैरह हो चुकी है, लोग की लोग आ गए हैं, अभी खोपरा खा लिए हैं। चलिए निकलते हैं, हम लोग को भी टाइम हो रहा है। अब ये देखिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए पर नान, शाही नान, हाजी नदीम शाही नान शायद शिरमाल, सॉरी शिरमाल, बहुत अच्छी थी। ड्राई फ्रूट और इसमें क्या बोलते हैं, घी भी था, घी असली घी जो बोलते हैं ना, प्योर घी, वो भी था माशाल्लाह। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, तो मैं भी पैक करा ली मेरे हस्बैंड के लिए। ये टाइम पे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। फिर मैं यहाँ पर से मामूपुरी भी ले ली हूँ, अच्छी फ्रेश थी तो यहाँ पर गरम गरम तो ले ली। उसके बाद हम लोग घर पे पहुँच गए, यानी रूम पे पहुँच गए हैं। अभी हम लोग खा रहे हैं तहारी, तहारी बनी है माशाल्लाह, वो भी लकड़ी के चूल्हे पे। ये देखिए अभी शॉपिंग कर रहे हैं, पैसों को ये होना है वो होना है, पता नहीं क्या क्या होना है। उनके मम्मा अच्छा
माशाल्लाह से अच्छा अच्छी चीज़ दिलाते रहते हैं उनको, फिर कुछ ना कुछ तो होना ही रहता है। उसके बाद हम लोग बैग्स, रूम खाली कर दिए थे तो बैग्स रख दिए हैं, घूम रहे हैं क्योंकि अभी हो गया है टाइम हम लोग को निकलने का है, क्योंकि सबके स्कूल से कल से, तो इसके लिए ये देखिए यहाँ पर से मैं कुछ तो ली हूँ, कढ़ाई वगैरह, तो मैं बताऊँगी। अब लोग चलिए अभी बैठ चुके हैं ऑन द वे, माशाल्लाह स्टार्ट हो चुकी है, दुआ वगैरह हो गई है, तो अभी मैं थोड़ा सा देखिए ग्रीनरी बता रही हूँ आप लोग को। कहीं बाहर निकलो तो इतना सुकून, माइंड फ्रेश हो जाता है, बस ऐसा लगता है कि बस घूमते ही जाओ। और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये व्यू चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बस हर दुआ कबूल करें, आमीन। मैं सफ़र में बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ क्योंकि सफ़र में दुआ जो भी करते हैं उसकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है, तो आप लोग भी करा करें इंशाल्लाह। अल्लाह जो भी जायज़ दुआ है अल्लाह ताला सबकी कबूल करें, आमीन सुमा आमीन। और आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सॉन्ग चल रहे हैं बट कॉपीराइट आने के कारण मैं सॉन्ग्स के साथ नहीं डाल रही हूँ, वॉइस के साथ। अभी थोड़ा सा मैं बैठे बैठे सता रही थी लोग को, क्योंकि बहुत बोर मारता है, थोड़ा अच्छे से बात करते करते जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। इनको देखो मैं ज़ियान है ये मेरा भाई, उनको मैं बहुत ज़्यादा सताई, इतना ज़्यादा सताई हूँ ना कि मैं बता ही नहीं सकती। कि उन आखिरी मुदर साइड पलट के भी बैठ गए थे, उसका शॉट नहीं ली हूँ मैं, शायद शॉट नहीं करी आई थिंक, लेकिन मैं बहुत सताई हूँ। लेकिन मेरा भाई ज़रा भी नहीं छिड़ता है माशाल्लाह, ये मेरा भाई है, चचेरा भाई है मेरा भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह, भाया बहना सब अल्हम्दुलिल्लाह। इसको भी सताया हम लोग ने पैसों को, तो टाइम मतलब ऐसा हो रहा था कि कुछ ना कुछ करें बस। मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ माशाल्लाह से, मेरे साथ और सिबलिंग्स हैं मेरे, मतलब कज़न सिस्टर्स भी हैं, तो माशाल्लाह अच्छा इंजॉय करें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। पैसों को बहुत ज़्यादा सताए हम लोग, उसके बाद फिर से ज़ियान को सताने लगे हैं। आखिर में वो आ रही थी तो फिर उसके बाद वहाँ पर आर्ट के ऑफिस आ गई थी तो मैं रुक गई, ब्रेक कर दी थोड़ा सा। और मैं कहीं पे भी जाऊँगी ना तो मैं मिडिल में बैठूँगी, और मतलब मिडिल में बैठती हूँ, सीट मिडिल वाली, क्योंकि उसमें सब जन मतलब स्टैंड हुए अगर ठहरे तो सब जने दिखते तो अच्छा इन्जॉय कर सकते हैं, तो इसलिए मैं वहीं पर बैठती हूँ, सबको सताती हूँ हंसी मजाक करते हुए, नात पढ़ते हुए, दुरूद शरीफ वगैरह सब पढ़ते हुए, गाने गाते हुए पहुंच जाते हैं हम लोग घर पे, ऐसे ही करते हैं माशाल्लाह से। अब ये देखिए हम लोग जा रहे ढाबे पे, तो ये बिस्किट का पैक खुल गया है, चलिए अब सबके लिए चाय लेकर आते हैं जाकर। ये देखिए इनको वेट भी चेक करने का था यहाँ पर, तो वेट चेक कर रहे हैं, देखिए माशाल्लाह चाय रेडी हो चुकी है सबके लिए, चलिए चलते हैं, चाय पी चुके हैं। और ये सेकंड वाला ढाबा था वहाँ पे भी चाय पी, उसके बाद मैं शूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा शूट वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ उसके बाद में। ये सब पूरे मेरे कज़न्स लेके सेंड करे हैं मेरे को, आई थिंक ये हाईटेक सिटी का है।
बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स लगते मेरे को, अच्छे बहुत। व्यू तो चेक करें आप लोग, कितना अच्छा आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए लोग यहाँ पर, उनके उनका मतलब घर है ना बीच में, तो वहाँ पर उतर गए थे, ड्रॉप कर दिए थे इन लोग को, जा रहे हैं बाय, अभी उन्हें बाय कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आ गए वज़ीर अली मस्जिद के पास। ये मस्जिद मेरे को अच्छी लगती है बहुत, माशाल्लाह। हम लोग मतलब इंटर हो चुके हैं हैदराबाद में, अभी कहाँ पर है, आई थिंक रीच टू याकूतपुरा। ये भी मेरा घर आ चुका है यहाँ पर, ये गली में मेरा घर। तो ऐसे तो घर पे जाके जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पर 10 मुहर्रम को यहाँ पर हमेशा मेला लगता है, पर हम लोग चाहते नहीं हैं। पर मैं कम से कम मैं 2-3 ईयर्स बैक गई थी आई थिंक, उसके बाद मैं नहीं गई क्योंकि हम नहीं जाना अलाउ नहीं, मतलब जाना नहीं है ना, क्योंकि इतना बड़ा दिन है, शहीद हो चुके हैं, तो ऐसा वो मेले में नहीं जाना है, तो मतलब नहीं चाहते हैं हम लोग, क्या मतलब हम लोग की फैमिली नहीं जाती है क्योंकि, और मेरे हस्बैंड भी अलाउ नहीं करते हैं मेले में जाने का, क्योंकि तो बाज़ारों को फिरते ही रहते हैं, तो वहाँ पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे। फुल थानपुरा में बाज़ार लगा हुआ था, फुल टू मतलब अच्छे शॉप्स लगे हुए थे। देखिए ये और ये हम लोग आ चुके हैं माशाल्लाह। हम लोग बस देख रहे होंगे आप। उसके बाद मैं घर पे आने के बाद रेडी होके निकल गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी थी और मेरे को मेरे घर पे ही नींद अच्छी आती है, तो बस निकल चुके हैं। पर नींद का तो ऐसा नहीं है, लेकिन बट वहाँ पे मेरे को ऐसा होता है कि बस चले जाएं घर पे आने के बाद। ये सबीर भी बहुत अच्छी लगी थी, सजी हुई भी थी माशाल्लाह से। और रीच टू माई होम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अच्छे से हम लोग घर पे आ चुके हैं और बैग का पिटारा खुल चुका है। फिर उसके बाद वो मैं जो शिरमाल ली थी ना शायद